है hey गाइस क्या आप भी चाहते हैं सॉफ्ट और शाइनिंग हेयर लाइक सेलिब्रिटीज़ तो वेलकम टू माय चैनल गाइस तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक अमेजिंग सा हेयर जेल जो कि मैं बनाऊँगी कुीट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये है फ्लैक्सीट जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं तो हमें ये रोस्ट वाले नहीं लेना है विदाउट रोस्ट लेनी है तो ये आसानी से मिल जाती है मार्केट में तो मैंने यहाँ पर इसे दो चम्मच लिया है और अलसी के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हेल्थ के साथ साथ हमारे हेयर और स्किन के लिए भी तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंने एक बर्तन में दो कप पानी लिया है और दो चम्मच ही मैं फ्लैक्सीट लूँगी तो यहाँ पे मैं पानी को थोड़ा बॉयल आने दूँगी तो पानी जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर दो चम्मच फ्लैक्सीट डाल दूँगी और जब आप इसे बना रहे हों तो कंटिन्यू से स्टर करते रहें नहीं तो ये नीचे चिपक भी सकता है इस बात का आप ध्यान रखें इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता दस मिनट इनफ है इतनी देर में ये बन के तैयार हो जाता है और जब ये बन जाता है तो आप इसे गर्म में ही छान लें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा तो फिर छानना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी छन्नी ली है मैं इसी में इसको छान लूँगी और अभी भी मेरा जो जेल है अभी गर्म है मैंने तुरंत इसे गैस से उतार के तुरंत छान लिया है मैं इसे ठंडा बिल्कुल नहीं करूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्लास की बॉटल में हम स्टोर कर सकते हैं और ये आराम से वन मंथ तक चल जाएगा ख़राब नहीं होता और इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ वाइटमिन ई e के कैप्सूल वाइटमिन ई e के कैप्सूल भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं तो कितने टाइम तक लगा सकते हैं तो आप इसको हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस जेल को लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं तो अस्सी के बीच में भरपूर मात्रा में वाइटामिन ई फाइबर ओमेगा मेगा थ्री जैसे गुण पाए जाते हैं और जब ये सारे क्वालिटी हमें एज ए जेल के रूप में हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो बालों की ग्रोथ भी होती है बाल सिल्क की शाइनिंग भी होते हैं और अगर हमें ड्राई स्केल की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है उसके लिए आपको अपने स्केल्प में दो से तीन मिनट तक मसाज करनी है तो जब भी आप इसे अप्लाई करें तो आपके बालों में कोई ऑयल नहीं होना चाहिए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि तभी आपको जेल के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सके तो यहाँ पर मैं अपने पूरे बालों में लगा रही हूँ और लगाने के बाद आपको इसे एक घंटे तक छोड़ना है सिंपली आप चाहें तो कॉम भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी उसके बाद मैं एक घंटे बाद जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से आप इसको वॉश कर सकते तो देखिए पूरा लग चुका है मैं मिलती हूँ हेयर वॉश के बाद तो गैस देख सकते हैं आफ्टर हेयर वॉश माय हेयर इज़ मोर सिल्की मोर शाइनिंग और ब्यूटीफुल तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रही है और हाँ आपने जो जेल बॉईल करके आपने सॉरी जो आपने फ्लैक्सीट रखा था बॉईल करने के बाद उसे बिल्कुल फेंकना नहीं है उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा कि आप उसका क्या यूज़ कर सकते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय